हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी आपकी रसोई से। मैं हूं वंदना और आज आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी फॉर्म ऑफ मंचूरियन। जनरली हम मंचूरियन या तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं या जो घर में बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं मैदा, MSG और उसे डीप फ्राई करते हैं। पर आज जो मंचूरियन बनाएंगे उसमें ये अनहेल्दी चीजें यूज नहीं करेंगे, इसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, पर जिनसे टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उतना ही टेस्टी पर हेल्दी मंचूरियन तैयार हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने ली है ये 1 कप पत्ता गोभी, इसे ग्रेट कर लिया है। 1 कप फूल गोभी, इसे भी ग्रेट कर लिया है। आधा कप ग्रेटेड गाजर, 1 प्याज महीन कटी हुई। आप चाहें तो सभी सब्जियों को बहुत फाइनली चॉप कर सकते हैं, और सब्जियां आप अपनी चॉइस की यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेंच बीन्स या शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। यहां मैं बाइंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ 1/4 कप चावल का आटा। मैदा की जगह इसमें हम चावल का आटा यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें देखिए आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि नमक से सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ देती हैं। ट्रेडिशनली मंचूरियन बॉल्स को डीप फ्राई करा जाता है, क्योंकि आज हम एक इसका हेल्दी वर्जन ले रहे हैं तो इसलिए हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम आपम स्टैंड पे बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपम स्टैंड को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 2-2 ड्रॉप ऑयल ऐड कर देंगे। अब इनमें इस तरह से ये बैटर भर देंगे। अब इन्हें कवर करके मीडियम गैस पर 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, बॉल्स को इसी स्टेज पर एक बार पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी सी शेप ले लें। अगर ज्यादा सिक जाएंगी तो फिर ये इनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। सभी बॉल्स को मैंने पलट दिया है। अब इन्हें कवर करके फिर से 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर से इनको पलट देते हैं। ये देखिए नीचे से काफी अच्छी सिक गई हैं। मंचूरियन बॉल्स सिक गई हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इन्हें देख के कोई कह सकता है कि ये डीप फ्राइड नहीं है, पर हमने इन्हें बनाया है सिर्फ 2 बूंद तेल में। अगर आपके पास आपम स्टैंड नहीं है तो भी आप इन्हें इजीली बना सकते हैं। आप इस तरह से कोई नॉन स्टिक पैन ले लें और उसमें इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी टिक्की बना के इस तरह से इनको सेक सकते हैं। आपम स्टैंड की तरह ही इसे कवर करके पहले 2 मिनट सेकेंगे और 2 मिनट बाद इन्हें इस तरह से पलट देंगे। देखिए एक साइड से सिक गई है ये, कवर करके दूसरी साइड से सेकेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, देखिए दूसरी साइड से भी कितनी बढ़िया सिक्के तैयार हुई है ये देखिए। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहें तो जो आप ऑयल यूज करते हैं वो ले लें। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज फाइनली चॉप्ड, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च महीन कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा महीन कटा हुआ और 6 से 7 लहसुन की कलियां वो भी महीन काट के। आप चाहें तो इनका इन सब चीजों का पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी भून गई है, अब इसमें ऐड करेंगे ये 3 टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चला के प्यूरी बना ली है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि यहां मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूं इसलिए मैंने टमाटर ज्यादा लिए हैं। अगर आपको ड्राई मंचूरियन बनाना हो तो 1 टमाटर काफी रहेगा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा स्वीट और टैंगी इफेक्ट के लिए 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप
और 1 टेबलस्पून विनेगर। अब इन सब चीजों को मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। गैस रखेंगे मीडियम हाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, क्योंकि ये मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, ड्राई मंचूरियन बनाना है स्नैक्स के लिए, तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना ऐड करें और इस स्टेज पर मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दें। अब इसे एक बॉईल आने तक कुक करेंगे। तो लीजिए, हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है, बिना MSG, बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लावर के। बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हमारी मंचूरियन बॉल्स और 2 टेबलस्पून ग्रेटेड पत्ता गोभी, हल्का सा क्रंची इफेक्ट के लिए। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। और लीजिए, तैयार है हेल्दी इंडो चाइनीज मंचूरियन। इसे सर्व कर लेते हैं। गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन से। इसे अब आप एज स्नैक्स खाएं या फिर लंच या डिनर में फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ, चॉइस आपकी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। हैप्पी कुकिंग।